Non-stop 100. सरकार के एक महीने पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को अपने ब्लॉग से दिया संदेश, एक महीने में लिए गए फैसलों पर सफाई। प्रधानमंत्री का दावा, 67 साल की सरकारों से एक महीने की सरकार की कोई तुलना नहीं, लेकिन फिर भी मेरी पूरी टीम ने हर पल लोगों की भलाई के लिए किया काम। पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा, 100 दिन की कौन बात करे, मेरे ऊपर 100 घंटों में ही हमले होने शुरू हो गए। मोदी ने कहा, मेरे पास 100 दिन के हनीमून पीरियड का सुख नहीं, ये सुख कांग्रेस के पास है। मोदी ने कहा, सरकार का एक मंत्री जनता के काम में जुटा, हमारी सरकार राष्ट्रीय हित में ले रही है फैसले। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार संभालने के एक महीने के बाद उनके मनोबल बढ़ा, लेकिन कुछ लोगों को लगता था मुझे काम समझने में लगेंगे 1 से 2 साल। नरेंद्र मोदी ने लिखा, पिछले कुछ दिनों में विवाद हुए, इन विवादों से केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारी सरकार को टारगेट किया गया। एक महीने तक अधिकारी और मंत्रियों से लगातार बैठक के बाद बदलाव का रोड मैप तैयार, इन रोड मैप से विकास के रास्ते जल्द तय किए जाएंगे। मोदी ने राज्यों से सहयोग पर जताया संतोष, कहा कई मुख्यमंत्रियों ने की उनसे मुलाकात, की सबको साथ लेकर चलेगा केंद्र सरकार। 26 जून को ऐतिहासिक बताते हुए आपातकाल को किया याद, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मेरे जीवन में 26 जून का खास महत्व, आज भी याद है आपातकाल का दर्द। केंद्र सरकार के एक महीने पूरे होने पर मोदी ने जनता के नाम जारी किया संदेश, रेल किराए में बढ़ोतरी के बाद तमाम सवालों से घिरी है केंद्र सरकार। महंगाई पर रोकथाम के लिए मोदी सरकार ने लिए अहम फैसले, 2 घंटे तक चली मंत्रियों की बैठक। देश में भोजन सुरक्षा एक्ट जल्द लागू करने का आदेश, 6 राज्यों ने योजना को लागू किया, सरकार ने 3 महीने में योजना लागू करने का दिया आदेश। सूखाग्रस्त 500 जिलों के लिए विशेष प्लान लागू होगा, सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों को विशेष राहत देने की घोषणा, बीज और खाद पर सब्सिडी रहेगी जारी। सरकार ने देश में आलू के दाम बढ़ने से रोकने के लिए आलू निर्यात दर में किया इजाफा, नए दर में निर्यात $450 प्रति टन किया गया। मौसम विभाग ने प्रधानमंत्री को बताया कि मॉनसून में देरी हो रही है, लेकिन मॉनसून 7 जुलाई तक सुधर जाने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में कृषि के लिए बिजली और बीज मुहैया कराने की बात पर दिया जोर। राज्य सरकारों से महंगाई रोकने के लिए स्पेशल अदालत लगाकर जमाखोरों और कालाबाजारियों पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव भी रखा गया। हर परिवार को 35 किलो अनाज दिया जाएगा, गेहूं 2 रुपए और चावल 3 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार की योजना की तर्ज पर चलेगा खाद्य सुरक्षा योजना। सरकार का फैसला, राशन दुकान पर कंप्यूटर लगाए जाएंगे, खाद्यान्न भंडारों पर लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। FCI का मैं गोदाम में अनाज क्या कहते हैं सड़ रहा है, उठा ही नहीं रहा है, लोग इतना इतना पर्चा लेकर के आ रहे हैं कि साहब हमको 6 महीना से नहीं मिल रहा है, 7 महीना से नहीं मिल रहा है, तो 4 तारीख को जो बैठक होगी वो 4 तारीख की बैठक में जो है हम जो है उसके ऊपर में भी चर्चा करेंगे। अनाजों के संरक्षण के लिए विशेष योजना लागू होगी, बारिश में अनाजों को बचाया जाएगा, चीन की तर्ज पर हल्के शेड लगाने की योजना। फल और सब्जियों को APMC एक्ट से बाहर करने की तैयारी, बड़े शहरों के पास बनेंगे फल और सब्जियों को रखने और बेचने के सेंटर। मॉनसून पर पीएम के साथ मीटिंग में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य और उपभोक्ता मंत्री, जल संसाधन मंत्री के अलावा कैबिनेट सचिव, प्रधान सचिव और एडिशनल सचिव भी शामिल। हम ये नहीं चाहते हैं इस मुद्दे में स्टेट में और सेंट्रल में कहीं कन्फ्रंटेशन हो, चूंकि ये गरीब का मामला है और गरीब के मामला को हम चाहते हैं कि मिलजुल करके अधिक से अधिक उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, यदि हम में कुछ त्रुटि है तो हम उसको क्या कहते हैं कि हमको बतला दें। योजनाओं को लागू कराने के लिए अगले महीने राज्यों के खाद्य सुरक्षा मंत्रियों की होगी बैठक।
सीमांध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात। बिजली की कमी झेल रहे राज्य को 500 मेगावाट पावर के अतिरिक्त सप्लाई पर करार। बिजली के मामले में आंध्र प्रदेश को एक मॉडल स्टेट बनाने की घोषणा। मोदी के अलावा वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिलेंगे नायडू। किसानों के लोन माफ किए जाने को लेकर करेंगे बात। 15,000 करोड़ के विशेष पैकेज की भी मांग रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को केदारनाथ का कर सकते हैं रुख। आपदा के एक साल बाद प्रभावित इलाकों में होगा प्रधानमंत्री का दौरा। सूत्रों के माने तो पहले केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह केदारनाथ का दौरा करेंगे और उनके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा दौरा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट का समन, 7 जुलाई को पेश होने का आदेश। नेशनल हेराल्ड केस में जारी हुआ सोनिया राहुल को समन, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम। दिल्ली विश्वविद्यालय ने गतिरोध खत्म करने के लिए यूजीसी को भेजा जवाब। 4 साल के कोर्स को 3 साल में बदलने का नया फॉर्मूला पेश किया। नए कोर्स के तहत कुछ नए पेपर्स जोड़ने का प्रस्ताव। तब तक पुराने तरीके से दाखिला करने का प्रस्ताव। यूजीसी ने कहा है कि 2012 से पहले वाला 3 साल का पैटर्न लागू किया जाए, लेकिन डीयू की दलील है कि इसमें वक्त लगेगा और दाखिले में देरी होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर रोक की वजह से 55,000 छात्रों का भविष्य संकट में। गतिरोध खत्म करने की कोशिश। डीयू टीचर्स एसोसिएशन डूटा की अध्यक्ष नंदिता नारायण ने डीयू के नए फॉर्मूले पर नाराजगी जताई। अगर आप कह रहे हैं कि यूजीसी को इस टाइम पे इंटरवीन नहीं करना चाहिए और गैर कानूनी काम चलने देना चाहिए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के 4 साल का कोर्स चलाना चाहिए जो अनऑथराइज्ड है, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर छात्र संगठन आईसा का नए प्रस्ताव पर विरोध प्रदर्शन। छात्र संगठन का आरोप, नए प्रस्ताव में छात्रों के लिए कुछ नहीं, पुराने कोर्स को ही तोड़ मरोड़ कर नए कोर्स में शामिल किया जाए। आज शाम यूजीसी और डीयू के बीच होने वाली अहम बैठक टली। नए प्रस्ताव पर आज होनी थी बैठक। डीयू में दाखिले पर सवाल पूछने पर पुलिस और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीआरओ मीडिया को हद में रहने की दी चेतावनी। मीडिया को धमकाने और दबाने की कोशिश। दिल्ली पुलिस के डीसीपी साउथ SP S त्यागी ने खुल्लम खुला मीडिया कर्मियों के साथ की बदसुलूकी। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे यूनिवर्सिटी की प्रवक्ता मलय नीरव ने कैमरों के सामने ही बेधड़क मीडिया कर्मियों को धमकाया। कुछ राज्यों में नियुक्त होने वाले नए राज्यपालों की संभावित सूची आई सामने। लिस्ट में कैलाश जोशी, राम नाईक और वीके मल्होत्रा के नाम शामिल। राज्यपालों की नई संभावित सूची में कल्याण सिंह और राजगोपाल के नाम की भी चर्चा। लिस्ट में आखिरी मोहर लगेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 3 राज्यों के राज्यपालों ने दे दिया है इस्तीफा। मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने रेल मंत्री सदानंद गौड़ा से की मुलाकात। अमेठी के लिए नई रेल योजनाओं की मांग। भाजपा की टीम के साथ यहां पर आदरणीय रेल मंत्री से भेंट करने आई थी एक सांसद के रूप में, और उनके प्रति एक निवेदन व्यक्त करने आई थी कि अमेठी की जनता के लिए रेल मंत्रालय के द्वारा सुविधाओं में विस्तार किया जाए। स्मृति ईरानी के साथ अमेठी के बीजेपी कार्यकर्ता भी रेल मंत्री से मिले। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ी थी स्मृति ईरानी। महाराष्ट्र में मुसलमानों को 5% आरक्षण पर विफरी बीजेपी, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण ठीक नहीं। इसका मैं डट के विरोध करता हूं, और जहां तक मुसलमान के लिए
धर्म के आधार पर या मजहब के आधार पर रिजर्वेशन नहीं, ये हमारे संविधान के विरुद्ध में है और इसको कोर्ट में चैलेंज की जा सकती है। बुधवार को महाराष्ट्र सरकार ने खेला था रिजर्वेशन कार्ड, मराठा समाज को 16 और मुसलमानों को 5% आरक्षण का ऐलान। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज बांग्लादेश के 2 दिन के दौरे पर, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और विदेश मंत्री अब्दुल हसन महमूद अली से की मुलाकात। सुषमा के बांग्लादेश दौरे के पहले दिन कुछ क्षेत्रों में वीजा को सरल करने पर हुई बात, त्रिपुरा के पावर प्लांट पर भी चर्चा। भारत बांग्लादेश के बीच लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट पर भी हुई चर्चा, तीस्ता नदी के पानी बंटवारे और घुसपैठ की समस्या पर भी हुई बात। बांग्लादेश दौरे में सुषमा ने बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना को दिया पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से भारत आने का न्यौता। विदेश मंत्री की हैसियत से सुषमा स्वराज का यह पहला विदेशी दौरा है, विदेश सचिव सुजाता सिंह और एमईए के कई सीनियर अफसर भी गए हैं साथ। मध्य प्रदेश सरकार ने अभिनेत्री माधुरी दीक्षित को मध्य प्रदेश का हेल्थ एम्बेसडर बनाया, समारोह में मुख्यमंत्री के साथ साथ माधुरी दीक्षित मौजूद। एक तो बहुत खुशी हो रही है आने के लिए, मैं ना कि सिर्फ एक अभिनेत्री हूँ बल्कि एक माँ भी हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि अभियान बहुत इम्पोर्टेंट है सभी के लिए, जो मदर्स हैं, जो बच्चे हैं, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अमरनाथ की यात्रा बालटाल मार्ग से 28 जून से हो रही है शुरू, भारी बर्फ पड़ने की वजह से यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग से नहीं शुरू की जाएगी। 28, 29, 30 जून को यात्रा करने वाले यात्रियों को बदले गए मार्ग से यात्रा करवाई जाएगी। तीस जून की बैठक में तय होगा कि 1 जुलाई से पहलगाम मार्ग से यात्रा शुरू की जाएगी या नहीं। दिल्ली वालों को मिला मेट्रो का नया तोहफा, मंडी हाउस से केंद्रीय सचिवालय तक शुरू हुई नई सीधी मेट्रो सेवा। 3 किलोमीटर लंबा है नया मेट्रो ट्रैक, केंद्रीय सचिवालय मंडी हाउस के बीच है जनपद स्टेशन। वेंकैया नायडू ने दिखाई इस लाइन को हरी झंडी। मंडी हाउस से केंद्रीय सचिवालय वाले रूट पर मेट्रो की आवाजाही शुरू होने के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर लोगों की भीड़ होगी कम। फेज 3 के इस पहले सेक्शन के खुलने से मेट्रो की ब्लू लाइन से वायलेट लाइन पर आने जाने के लिए 3 मेट्रो नहीं बदलनी पड़ेगी। नेस्वारे प्रीति जिंटा के कॉमन फ्रेंड जय कनौजिया का खुलासा, नेस को प्रीति के हाथ मरोड़ते हुए देखा। जय कनौजिया ने मुंबई पुलिस को बताया कि नेस वाड़िया ने प्रीति का हाथ खींचा, हालांकि जय के मुताबिक शोर की वजह से दोनों की बातचीत नहीं सुनी। जय कनौजिया का मुंबई पुलिस को बयान नहीं, जानते नेस ने प्रीति को गाली दी या नहीं। मुंबई पुलिस अगले 3 दिन गवाहों के बयान दर्ज करेगी, हालांकि मुंबई पुलिस ने अब तक 9 गवाहों के बयान दर्ज कर लिए हैं। मुंबई पुलिस किंग्स 11 के सीईओ फ्रेजर कैस्टेलिनो का बयान दर्ज कराएगी, प्रीति के मुताबिक 3 में से 2 जगह हुई बदसलूकी। लश्कर तैयबा का मुखौटा कहे जाने वाले संगठन जमात उद दावा पर अमेरिकी शिकंजा, जमात को आतंकी संगठन किया घोषित। जमात उद दावा का मुखिया हाफिज सईद पर पहले से ही अमेरिका की नजर घोषित किया जा चुका है आतंकी। सरकार ने किया जमात को बैन करने का स्वागत। हमारा तो शुरू से ये मत रहा है आरंभ से ही कि आतंकवाद के विषय को लेकर के बड़ी स्पष्ट और ठोस नीति रहनी चाहिए। अमेरिका ने जमात समेत लश्कर से जुड़े 3 और गुटों को भी किया लिस्ट में शामिल। थाने में अपने साथ काम करने वाली डॉक्टर को ब्लैकमेल करने वाले डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार, जबरन शारीरिक संबंध बनाने का आरोप। उज्जैन में लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई, उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीनियर ऑडिटर श्रीराम मल्होत्रा 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। ऑडिटर ने विधानसभा चुनावों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे के भुगतान को लेकर रिश्वत मांगी थी। राजधानी दिल्ली में बुधवार देर रात बदमाशों के 2 गुटों में फायरिंग हुई, राजीव नाम के बदमाश की गोली लगने से मौत। शराब पीने की
जगह को लेकर सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन परिसर में हुई थी गोलीबारी। गुड़गांव में हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की गुंडागर्दी, एक ट्रैवल कंपनी के कर्मचारियों से की मारपीट। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, 5 लोग जख्मी, एक की हालत गंभीर।